नव निर्वाचित पाजीमो जिला मीडिया प्रभारी ऊना अर्चित शर्मा ने जिला व प्रदेश भाजपा के वरिष्ठ एवं सम्माननीय नेताओं का धन्यवाद करते हुए कहा कि जिला व प्रदेश भाजपा शीर्ष संगठन द्वारा उन्हें जो जिम्मेदारी दी गई है वह उसे पूरी ईमानदारी लगन व निष्ठा से निभाने का प्रयास करेंगे। उन्होंने कहा कि उनका आगामी विधानसभा चुनाव में यही मिशन रहेगा कि अधिक से अधिक युवा शक्ति भाजपा संगठन में समर्थित व संगठित होकर केंद्र व प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में कार्य क्रियान्वित की जा रही अनेकों योजनाओं को आम नागरिक हर घर एवं गली तक पहुंचाएगी। इसके अतिरिक्त उन्होंने अपनी नियुक्ति के लिए कैबिनेट मंत्री वीरेंद्र कंवर, छठे वित्त आयोग के अध्यक्ष सतपाल सिंह सत्ती, चिंतपूर्णी के विधायक बलवीर चौधरी, गगरेट के विधायक राजेश ठाकुर, HPS IDC के उपाध्यक्ष प्रोफेसर राम कुमार शर्मा, जिला अध्यक्ष मनोहर लाल शर्मा, जिला महामंत्री राजकुमार पठानिया, जिला भाजपा प्रवक्ता विनय शर्मा, जिला भाजयुमो अध्यक्ष कमल सैनी सहित जिला व प्रदेश के अन्य वरिष्ठ भाजपा नेताओं का धन्यवाद किया है। नमस्कार, सभी को जय श्री राम। मैं अर्चित शर्मा कुटलहड़ कॉन्स्टिट्यूएंसी से हूँ। मुझे आज युवा मोर्चा जिला ऊना का मीडिया प्रभारी नियुक्त किया गया है। मैं अपने सभी वरिष्ठ नेताओं का तहे दिल की गहराई से धन्यवाद करता हूँ एवं भाजयुमो जिलाध्यक्ष भाई कमल सैनी जी का भी मैं दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ कि जिन्होंने मुझे आज इस नियुक्ति तक पहुँचाया। हाल ही में चुनावी दौर जो है वह शुरू हो चुका है और इस बार हम सरकार नहीं रिवाज बदलेंगे और जयराम जी की सरकार जो है हिमाचल प्रदेश में फिर से बनाएंगे। मैं अपने सभी वरिष्ठ नेताओं का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं और पार्टी संगठन द्वारा जो भी मुझे आदेश दिए जाएंगे मैं उस पर खरा उतरूंगा और सच्ची निष्ठा व ईमानदारी के साथ मैं इस अपनी कार्य को निभाऊंगा। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना अर्चित शर्मा ऊना। ऊना से आपका फैसला टीवी के लिए जिला ब्यूरो चीफ जीवन शर्मा के साथ अंजना की रिपोर्ट।